शरारमी, क्या हालचाल आप सभी की। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ कार फोर सेल सिमुलेटर, ठीक है, पीसी वर्जन, ठीक है। तो भाई, मैंने पहले भी गेम खेल रखी थी, अभी हाइप में ज़्यादा आ रखी है क्योंकि टेक्नो गेमर्स भाई लगातार वीडियोस डाल रहा है। तो भाई, मेरा भी फर्ज बनता है ना, मैं भी डालूँ, ठीक है। एपिसोड 1 रहने वाला है, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं महंगी महंगी कार खरीदने वाले हैं। एपिसोड 1 में देखते हैं कौन सी हमारे बजट के अंदर कार आ पाएंगी। मेरे पास है $7,500। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। सो गाइज, ये रहा हमारा शोरूम। इसको चलो फटाफट से इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। क्लीन करने के लिए हमें इन सबको कचरे को हटाना पड़ेगा। सो लेट्स गो भाई। जिसका भी पहले वाला ये ऑफिस होएगा भाई, बहुत ही गंद मार रखा है भाई, कैसे शीशों में लगा रखा है ये सब कुछ। तो चलो इसको फटाफट से क्लीन कर देते हैं एंड इन सबको हटा देते हैं फटाफट से। ड्रम को भी हटा दिया एंड इसको थ्रो कर देते हैं डस्टबिन के अंदर। इतना सारा बड़ा कचरा इसमें आ गया। चलो, पता नहीं कौन से, लग रहा है डोरेमोन के पॉकेट वाला भाई डस्टबिन है। चलो इसको भी हटा देते हैं फटाफट से एंड ऑफिस के अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन रहने वाला है अंदर का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारा कचरा फेंक दिया है, चलो अंदर चलते हैं। एंड ऑफिस अंदर से तो काफ़ी, मतलब ये क्लीन लग रहा है मेरे को, जैसा इंटीरियर है। बस दीवारें गंदी हो रखी हैं भाई, ऐसा लग रहा है भाई किसी ने विमल थूक दिया है, ठीक है। तो और ये ऊपर गिलास क्यों लगा रखा है भाई, मेरी ये नहीं समझ आ रहा, धूप आने के लिए, ठीक है भाई। एंड बाकी चलो आओ अपने वेब में चेक कर लेते हैं क्या सीन रहने वाला है। और अपग्रेड्स में देखते हैं ऑफिस का अपग्रेड होएगा। ओ, इसको अभी पैसे लगेंगे उसको अपग्रेड करने के लिए। तो चलो इसको बाद में अपग्रेड करेंगे, अभी पहले नाम चेंज कर लेते हैं अपने इसका। सो लेट्स गो। यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन, डिज़ाइन, इंटीरियर का डिज़ाइन है, एक्सटीरियर का ये अभी नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास इतना पैसा नहीं है। चलो इसका नाम चेंज कर लेते हैं। गाइस, क्या नाम रखें इसका, बताओ बताओ गाइस, क्या नाम रखें। आई थिंक लमनी मोटर ठीक रहेगा, रख दूं क्या, बताओ। ठीक है गाइस, यही यही रख देते हैं जल्दी से एंड बढ़िया लगेगा ये। चलो इसका साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं एंड कलर रेडी रखने, कलर रेड ठीक है, हाँ रेड ठीक है। ब्लैक तो काला लग रहा है, दिखेगा भी नहीं। $10 में अपग्रेड होएगा ये। एंड चलो और इसकी विदित को और साइज़ को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं एंड थोड़ा गैप बना देते हैं इसकी, जिसमें अच्छा लगे भाई, भिड़ा भिड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि एक प्रोफेशनल ऑफिस खोल रहे हैं हम कार सेल का, ठीक है। तो लेट्स गो, ये बन गया अपना। चलो आओ एक मार्केट में चलते हैं। तुम्हें पता है हमें अगर कोई कार खरीदनी होती है तो हमें कहाँ जाना होता है, जहाँ पर कार की बाजार लगती है वहाँ पर जाना पड़ेगा हमें। सो फटाफट से चलते हैं एंड यहाँ बस से जाना पड़ेगा क्योंकि अभी हम गरीब हैं, हमारे पास कोई कार नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं एंड यहाँ से मैंने पहले जाऊँगा नेबरहुड में कार मार्केट, बाद में जाऊँगा क्योंकि अपने पड़ोसियों की कार खरीदोगे तो उन्हीं को जला पाओगे अगर अच्छी निकली तो। सो फटाफट से जाते हैं भाई, एक दो मैं कारें देखता हूँ यहाँ पर, मुझे कोई पसंद नहीं आती है, ठीक है। पहली कार जो हो रही होती है ये होती है, और ये तो भाई मुझे कूड़ा लग रही होती है, पर पता नहीं क्यों भाई थोड़ा इंटरेस्ट आता है मेरे को इस कार में। एंड उन्होंने ये 2391 की थी भाई, मेरा मन तो कर रहा था ले लूं, पर मैं सोचा ये कूड़ा ले लूँगा, तो मैंने, अगर मैं एक कूड़ा लूँगा तो कोई मेरे से ख़रीदेगा इसको। सो फटाफट से मैं उसको कार को छोड़ के काफ़ी सारी कार्स चेक करता हूँ एंड कोई भी मुझे कार पसंद नहीं आ रही होती हैं क्योंकि वो मेरी औकात के बाहर की होती हैं। तो मुझे दिखती है एक कार जो कि मेरे औकात के अंदर भी होती है और जिसे मैं चला भी सकता हूँ, वो कार ये है, ये है होंडा, पता नहीं कौन सी इस पता नहीं, मुझे इसका नाम बड़ा अजीब सा रखा है, ठीक है। तो मैं इसके चेक कर रहा होता हूँ, अच्छे से देख रहा होता हूँ कि क्या क्या सीन है, कुछ अप्रूव्ड ऐसा लिख के आ रहा था। एंड कार देखता हूँ, कार तो ठीक लगती है, होंडा की कार है तो होंडा पे थोड़ा सा ट्रस्ट करते हुए मैं इसको ख़रीद लेता हूँ 2573 में, ठीक है। इसको बाय कर लेता हूँ एंड चलो ख़रीदने के बाद निकलते हैं भाई घर की साइड। इसको रिपेयरिंग के लिए भी तो देना है भाई, क्योंकि इसमें बहुत सारा सीन हो रखा है। एंड इसको भाई मैं, पहली कार होती है मेरी, मज़े में घुमाते हुए मैं लेके आता हूँ भाई, पूरा मिट्टी में चलाते हुए, रोड से तो जाता नहीं हूँ। एंड देन इसको गैराज में डाल देते हैं, इसको गैराज में इसको पहले ठीक कराएंगे, जो इसका ख़राब हो रखा है ना ये सब कुछ, उसको ठीक कराएंगे पहले। पार्क हो गया, हाँ ठीक है, थोड़ा पीछे नहीं, यहीं पर ठीक है, कर देगा रिपेयर। हाँ भाई, कितने पैसे लगे, अरे $660 भाई, ये तो लूट के मानने का भाई। अच्छा, इसका जो डिक्की है और जो रूफ़ है और जो पीछे वाला बम्पर है वो दोनों ख़राब हैं और दो गेट जो हैं पेंटेड हैं भाई, बड़ा चूना लग गया गाइस $2,000 में, ठीक है।
तो इसको करा लेते हैं। कराने के बाद देखो गाइस काफ़ी तगड़ी लग रही है हमारी कार, मतलब एकदम बढ़िया लग रही है। तो चलो और इसको सेल पे डालते हैं, देखते हैं भाई कितने में जाएगी ये हमारी कार, बिकेगी पहली कार गाइस, गेस करो कितने में जाएगी, कमेंट सेक्शन में बताओ कितने में जाएगी। वीडियो आगे नहीं, अभी पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ कितने में जाएगी। सो गाइस अभी इसको मैंने पार्क कर दिया एंड ऑफिस में जाता हूँ फटाफट से। इसको हम लोग पुट कर देते हैं वेब पर, अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं एंड देखते हैं भाई कितने में जाएगा। तो गाइज इसका नाम हमने क्या रखना है, लमड़ी कार रख देते हैं भाई, लमड़ी मोटर की भाई लमड़ी कार रखेंगे ना। ठीक है भाई, तो फटाफट से रख देते हैं एंड चलते हैं भाई। इसका प्राइस रखेंगे हम $8,000। 8,000 तो मुझे कम लग रहा है, 10,000 कर देते हैं। चलो भाई 10,000 कर देते हैं इसको फटाफट से एंड हियर वी गो। 10,000 हो गया है इसका, ठीक है। तो चलो और फटाफट से देखते हैं, कस्टमर आए नहीं। चलो और गाइज यहाँ पर एक कस्टमर आ चुका था जो भाई पूरा फेयर प्राइस दे रहा था, $10,000 मेरी इस कार के। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा दुगना तिगना प्रॉफिट हो रहा था, जबकि उसके कार भी पेंटेड होते हैं और इसी टाइम हो जाती है शाम। चलो और चलते हैं अपने घर की तरफ। सो गाइज हमारा घर है एक कूड़ा कूड़ेदान है गाइज, कूड़ेदान में सोना है भाई, एक कंटेनर है भाई जिसमें जिसमें हमारा बेड पड़ा हुआ है, गेट भी लगा रखा है। चलो सो जाते हैं। आज के दिन में हमारा प्रॉफिट हुआ है $74,027 का, सॉरी 74 नहीं, $7,427 का हुआ है। एंड उसके बाद भाई मैं थोड़ा अमीर हो जाता हूँ एंड मैं ख़रीद लेता हूँ ये वाली कार और मैं इसे बहुत घुमाता हूँ, बहुत घुमाता हूँ, ठीक है।